Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे 70 की थ्योरी ऑफ फॉर्जिस्ट. देखिए, जो सेविग्नी थे वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले थे, तो इसीलिए उन्हें माना जाता है कि ही वॉज फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं ज्यूरिसप्रूडेंस में, जैसे एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, एथिकल स्कूल ऑफ थॉट, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट. तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ है उसका स्टेट से कोई भी रिलेशन नहीं है. ये लॉ और स्टेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं मानता है. ये कहता है कि स्टेट ने लॉ को डेवलप नहीं किया है, बल्कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में जो कल्चर चल रहा है, जो ट्रेडिशन चल रहे हैं, जो कस्टम चल रहे हैं, और जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से जो है आपका लॉ का डेवलपमेंट होता है. तो हिस्टोरिकल स्कूल क्या बताता है कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनके सेंटिमेंट, उनके क्या कस्टम है, कल्चर है, उनका क्या ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से ही लॉ का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है. तो ये जो है सेविग्नी, ये फाउंडर माने जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के. इनका जन्म जो था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था, और इन्होंने वहाँ की मार्कबर्ग यूनिवर्सिटी से ही अपनी ग्रेजुएशन की थी, और वहीं पर ये जो है सिविल लॉ के प्रोफेसर हो गए. उसके बाद प्रुशिया में ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अपॉइंट किए गए. बाद में 1803 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था लॉ ऑफ पोजीशन. क्या नाम था इस बुक का? लॉ ऑफ पोजीशन. और इस बुक में ही इन्होंने सबसे पहले अपने हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस को बताया है. इसीलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ पोजीशन जो है स्टार्टिंग पॉइंट है सेविग्नी की हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस का. तो आपको सेविग्नी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चल गया. अब हम आते हैं सेविग्नी की वॉल्जिस्ट थ्योरी पे. देखिए, वॉल्जिस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है. पहला वर्ड क्या है? वॉल्ट, और दूसरा है आपका जिस्ट. वॉल्स का मतलब है प्यूपल और जिस्ट का मतलब है कॉमन विल. तो अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो इसका मतलब हुआ कॉमन विल ऑफ प्यूपल. इट मीन जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी जो कॉमन विल है, उनकी जो पॉपुलर विल है, जिसे हम पॉपुलर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, वही वॉल्स जिस्ट को रिप्रेजेंट करती है. सेविग्नी के अनुसार ये जो सोर्स ऑफ लॉ होता है, जो लॉ बनता है, वो पूरी तरीके से पीपल की कॉमन विल से ही बनता है. वो और किसी भी तरह के लॉ को जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. वो कहते हैं हर कंट्री का लॉ जो है आपकी कॉमन विल से ही बनकर आया है. अगर हम कॉमन विल के अलावा किसी और तरीके से कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके बल्कि उन प्रॉब्लम को और ज़्यादा जो है बढ़ा देते हैं. तो इसीलिए हर लॉ पीपल की कॉमन विल या पॉपुलर विल पे डिपेंड होना चाहिए. तो ये था उनका वॉल्जिस का कंसेप्ट. अब हम देखेंगे कि इस वॉल्जिस के कंसेप्ट के थ्रू उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है. उन्होंने सबसे पहले बोला कि लॉ एक लैंग्वेज की तरह जो है डेवलप होता है. आपने देखा होगा लैंग्वेज एकदम से तो आती नहीं है, लैंग्वेज का भी प्रिमिटिव स्टेज से आज तक बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. हर कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है. चाइना में चाइनीज बोली जाती है, ब्रिटेन में इंग्लिश बोली जाती है, इंडिया में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है. तो और इंडिया में तो बल्कि हर 4 किलोमीटर पे एक अलग ही डायलेक्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे हर कम्युनिटी की अलग अलग बोली हो जाती है. जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है. तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि हर कम्युनिटी की भी लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है। और अब तो लैंग्वेज के लिए पहले तो सिर्फ हिंदी ही मीडियम हुआ करता था, अब जो है इंग्लिश भी बच्चे सीखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज के ऑप्शन में बच्चों को सिखाई जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। उसी तरह से लॉ का भी जो है डेवलपमेंट होता है, लॉ भी जो है धीरे धीरे डेवलप करता है। हर जगह की, हर कम्युनिटी की, हर सोसाइटी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, उन ज़रूरतों के हिसाब से ही लॉ डेवलप होता है। इसका एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए इंडिया में रियल पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, जबकि अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि रियल पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। तो हमारी कंट्री की नीड के हिसाब से हमने क्या अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट अपने कैंडिडेट को चुनती है तो जिनकी मेजॉरिटी होती है वो रूलिंग गवर्नमेंट में आते हैं और उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे वहाँ की जो जनरल सब्जेक्ट है वो पीएम को न चुन के, प्राइम मिनिस्टर को न चुन के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट है, सेविग्टी ने बोला है कि जो लॉ का डेवलपमेंट होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। हाँ, बाद में जूरिस्ट उसे और आगे तक डेवलप कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि लॉ का डेवलपमेंट एकदम से हो जाता है। आप देखिए शुरू में तो प्रिमिटिव स्टेज में हम लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज नहीं थे, हम जंगलों में रहते थे, पत्ते के बने हुए जो है हम कपड़े पहनते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो वहाँ पे लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन जब उनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई और उन्होंने देखा कोई व्यक्ति उस ट्राइब के जो है रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्होंने खुद ही उनको जो है पनिश करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ज़रूरत को देखते हुए कि अगर कोई भी व्यक्ति उस कम्युनिटी की जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उसे पनिश देने लगे। इस तरह से लॉ का डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियस हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारे जूरिस्ट आए, बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, तो उन्होंने उसको और ज़्यादा डेवलप कर दिया। जैसे हम देखते हैं शुरू में प्रिमिटिव स्टेज में ज़्यादातर पनिशमेंट किस तरीके से होती थी कि आँख के बदले आँख और आपकी हेड के बदले हेड। अगर किसी ने किसी की आँखों में कोई इंजरी करी है तो हम जो इंजरी करता था उसकी आँखें निकाल ली जाती थी एज ए पनिशमेंट। अगर किसी ने मारा है तो जिसने मारा होता था मर्डरर का भी हम मार देते थे क्योंकि हेड के बदले हेड था। लेकिन फिर धीरे धीरे ज्यूरिस्ट ने, रिफॉर्मर्स ने ये रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ही क्रूल मेथड है पनिशमेंट का, तो फिर लोगों को इम्प्रिजनमेंट दी जाने लगी। फिर धीरे धीरे इसमें और चेंज आए, फिर लगा कि नहीं, हमारा पर्पस जो है लॉ का रिफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। इसीलिए आज की एज में जो कॉन्विक्ट होते हैं उनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, उनको बेल पे छोड़ा जाता है, ताकि वो जो है सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से मिल सकें और वो सोसाइटी में रह सकें और सोसाइटी भी उनको जब उनकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उनको एक्सेप्ट कर सकें। तो इस तरह से लॉ का डेवलपमेंट तो स्पॉन्टेनियस होता है लेकिन धीरे धीरे फिर डिफरेंट ज्यूरीज रिफॉर्मेटिव मिलके उसको और ज़्यादा डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट है कि लॉ का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होता है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सेविग्नी के हिसाब से लॉ किससे बनता है, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन हैं, जो हमारे कल्चर हैं या जो हमारी सोसाइटी की पॉपुलर विल है। तो सोसाइटी कभी स्टेगनेंट तो हो ही नहीं सकती, इसमें कंटिन्यूस चेंज होता है, लोगों की थिंकिंग में चेंज होता है, लोगों के लिविंग स्टाइल में चेंज होता है, लोगों के जो है आउटलुक उसमें चेंज होता है। तो जब सोसाइटी के लोगों में चेंज होता है, उनकी पॉपुलर विल में चेंज होता है, तो लॉ में भी जो है धीरे धीरे जो है चेंज होने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए पहले जो था जब गे मैरिज होती थी तो उसको क्रिमिनलाइज एक्ट माना जाता था, लेकिन अब हमारे ज्यूरिस्ट ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में ही जो है इनको क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में तो कोई भी ऑफेंस नहीं किया है,
तो अब इंडिया में से भी जैसे फॉर एग्जांपल इसे डीक्रिमिनलाइज जो है कर दिया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेम वे देखिए आप, पहले जो है ट्रिपल तलाक होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक के अंगेंस्ट वो लेकर आई, क्योंकि उन्हें लगा इससे जो मुस्लिम वुमेन्स होती है उनको मेंटली बहुत टॉर्चर जो है फेस करना पड़ता है, विदाउट एनी रीजन जो है उनको डाइवोर्स दे दिया जाता है। इसीलिए जो है ट्रिपल तलाक को लेके आया गया, क्योंकि सोसाइटी के चेंज के हिसाब से जो है लॉ भी बनने चाहिए और लॉ में भी चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है जो सेविग्नी थे वो जर्मन लॉ की कोडिफिकेशन के अंगेंस्ट थे। एक्चुअली जब सेविग्नी ने अपनी ये थ्योरी प्रोपाइन की थी तो उस वक्त जर्मन जो है बहुत सारी स्टेट में डिवाइड हो गया था, और हर स्टेट की अपनी एक अलग थिंकिंग थी और उनके अपने अलग जो है वहाँ के लॉ थे। तो सेविग्नी का कहना था कि जो लॉ है वो जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो जब तक जर्मन का यूनिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक हमें जो है उनका कोडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो जर्मन का लॉ है उनके हिसाब से इमेच्योर था। तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें बहुत सारे जो है स्कोप है कि हम उसमें रिफॉर्म ला सकें, और हमें जो जर्मन के अलग अलग स्टेट हो गए हैं उन सबको एक यूनिफाई करना चाहिए और उसके बाद ही हमें कोडिफाई करना चाहिए। उनके इस अपोजिशन की वजह से ही जर्मन के लोगों को क्वालिफिकेशन होने में जो है बहुत सारे डिकेड्स जो है लग गए थे। नेक्स्ट है सेविग्नी जो थे रोमन लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। वो कहते थे कि जर्मन लोग तो अभी इनमेच्योर है, और वो जो फ्रेंच था जो नेपोलियन कोड पे पैटर्न पे बेस था उसको भी वो लाइक नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे रोमन लोग बहुत अच्छा है, ये लोगों की पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमें रोमन लोग को जो है जर्मनी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लास्ट सेविग्नी कहते थे जो लॉयर्स हैं वो पॉपुलर विल के माउथ पीस है। इट मीन्स जो लेजिस्लेशन है वो लॉ बना देती है, जरूरी नहीं है कि वो पॉपुलर विल को ध्यान में रख के ही लॉ बनाए, उनको लगा ये लॉ बनाना चाहिए तो वो लॉ बना देती है। जो लॉयर्स हैं उनके हिसाब से और जो जजेस हैं वो लोगों की थिंकिंग को ध्यान में रख के ही लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, वो पॉपुलर विल को ध्यान रखते हैं, तो उनके हिसाब से लॉयर और जजेस जो थे वो पॉपुलर विल के माउथ पीस की तरह वर्क करते थे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सेविग्नी का क्या इंट्रोडक्शन है, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, और उनको हम जो है फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी वॉल्ट जिस्ट में बताया कि वॉल्ट जिस्ट क्या है, ये एक पॉपुलर विल है सोसाइटी में रहने वाले लोगों की। फिर उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन बताया कि लॉ एक लैंग्वेज की तरह डेवलप होता है, इसका स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट होता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है, और वो कहते थे लॉयर एंड जजेस पॉपुलर विल के माउथ पीस हैं, और वो रोमन लॉ को बहुत एडमायर करते थे, और जर्मन लॉ की कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन का मतलब होता है कि लॉ को आपने एक रिटन फॉर्म में लिख लिया, उसके वो अपोज थे। अब हम देखेंगे कि सेविग्नी की थ्योरी जो वॉक जिस थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किन किन बेसिस पे किया गया। देखिए सबसे पहला क्रिटिसाइज का उनका जो बेस था वो था कि उनकी थ्योरी में इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो वो कहते थे कि किसी भी लॉ को कोडिफाई करने के लिए उस लॉ का नेशनल करेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल करेक्टर का मतलब है वो लॉ उस कंट्री में रहने वाले लोगों की पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ वो कहते थे कि जर्मन का लॉ बहुत ही इमेच्योर है, इसलिए हमें उस लॉ को अप्लाई ना करके जर्मन में बल्कि रोमन लॉ को अप्लाई करना चाहिए। तो जो दूसरी फॉरेन कंट्री का लॉ है जो रोमन लॉ को है, अगर हम उसे जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो वो जर्मनी के लोगों की पॉपुलर विल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक तरफ तो वो पॉपुलर विल की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो रोमन लॉ को जर्मनी में इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो इस तरीके से उनकी थ्योरी में इनकंसिस्टेंसी थी। नेक्स्ट है वो लॉ के कोडिफिकेशन के बहुत अंगेज थे। जो सेविग्नी थे वो कहते थे कि अगर हमने लॉ को कोडिफाई कर दिया
तो इट मींस लॉ जो है अब एक जो है रिटन फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन सोसाइटी तो चेंज होती रहती है, सोसाइटी के कल्चर चेंज होते हैं, सोसाइटी के जो है आपकी आउटलुक चेंज होता है, उनके सोचने का तरीका चेंज होता है, उनका कस्टम चेंज होता है। तो हम सोसाइटी के चेंजिंग आउटलुक के हिसाब से जो है उसमें लॉ में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ तो एक बार बन गया तो बन गया। तो इसीलिए वो कोडिफिकेशन के अंगेज थे, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर लॉ का कोडिफिकेशन नहीं होता तो लॉ में बहुत सारे रिफॉर्म नहीं होते, और आज जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाता। तो ये भी उनकी क्रिटिसिज्म का एक बेस होता था। नेक्स्ट है, सेविग्नी ने कहा कि सिर्फ पॉपुलर विल ही सोर्स ऑफ लॉ है, कि अगर लॉ बनाना है तो हमें पॉपुलर विल को ही ध्यान में रखना पड़ेगा और किसी भी चीज़ को नहीं, जबकि ये गलत चीज़ है। अगर हम आज की मॉडर्न एज में देखें तो हम सिर्फ पॉपुलर विल, जिनका मेन बेस क्या होता है, कस्टम, तो हमारे लॉ सिर्फ कस्टम के बेस पे ही नहीं बनते, बल्कि लेजिस्लेशन भी हमारा जो है लॉ बनाती है। हम देखते हैं हमारी पार्लियामेंट ने कितने सारे लॉ जो है पास किए हैं। ऊपर से जो आपकी प्रेसिडेंट होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया तो वो हाई कोर्ट और बाकी के सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए भी एक लॉ का वर्क करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉज हैं, जो उन्होंने डिसीजन दिए हैं, जिन्हें हम लीडिंग केस की तरह मानते हैं, उनको फॉलो करना हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब सिर्फ कस्टम ही सोर्स ऑफ लॉ नहीं होते, बल्कि लेजिस्लेशन भी लॉ बना सकती है और प्रेसिडेंट भी रोल बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, इनके क्रिटिक्स ने कहा कि जो कस्टम्स होते हैं, इन्होंने बोला कस्टम जो है पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए पॉपुलर विल सोर्स ऑफ लॉ होता है, क्योंकि पॉपुलर विल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सोसाइटी में चेंज आएगा तो पॉपुलर विल में भी चेंज आएगा, कस्टम में भी चेंज आएगा, तो कस्टम सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कस्टम ही पॉपुलर विल को जो है रिप्रेजेंट करे। देखिए, पहले आपने देखा होगा स्लेवरी को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेवलेंट थी, लोग जो थे जो बहुत ही वेल्दी पर्सन होते थे वो गरीबों को स्लेव बना दिया करते थे, क्योंकि वो उनके सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करता था। लेकिन ये पॉपुलर विल को तो रिप्रेजेंट नहीं करता था, जबकि स्लेवरी एक कस्टम था। ऐसे गांव में आप देखें तो बॉन्डेज लेबर का जो था बहुत ज़्यादा जो है चलन था। तो जो जमींदार थे वो क्या करते थे, जो उनके अंडर वर्क करते थे, अगर वो उनको कुछ मनी उधार देते थे और वो चुका नहीं पाते थे तो वो बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे। वो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी वेजेस के उनके खेतों में काम करते थे। तो ये भी कस्टम था, लेकिन ये कस्टम पॉपुलर विल पे डिपेंड नहीं करता था। ये तो सिर्फ जमींदारों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये कस्टम बना रखा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जरूरी नहीं कि कस्टम जो है पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट ही करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने जो है ट्रिपल तलाक को पास किया गवर्नमेंट ने, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की, जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनकी भलाई के लिए किया गया, लेकिन अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी करें तो उनमें ये कस्टम तो है लेकिन ये पॉपुलर विल पे तो डिपेंड नहीं करता था। तो लेकिन फिर भी हम जो है ट्रिपल तलाक का जो है बिल लेकर आए। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है हर कस्टम पॉपुलर विल को ही रिप्रेजेंट करे। लास्ट, इनको क्रिटिसाइज किया कि सेविग्नी जो है बहुत ज्यादा ज्यूरिस्टिक पैसिमिज्म को लेकर आए। देखिए, ज्यूरिस्टिक पैसिमिज्म का मतलब है कि उनकी वजह से जो लॉ में रिफॉर्म्स थे वो बहुत कम हो गए थे, उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया, और जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ है वो जो है उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ ना हो, जब तक वो लॉ जो है पॉपुलर विल पे डिपेंड नहीं करता है, तब तक हमें ना तो उसका कोडिफिकेशन करना चाहिए ना ही हमें उसे लॉ बनाना चाहिए। जबकि जो पाउंड थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कस्टम ऐसे चलते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बड़े बेनफुल होते हैं, जो एब्यूजिस करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम उनको जो है अपनाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। जैसे आप देखिए, 370 हमारी कश्मीर में था, जबकि कश्मीर जो है एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, लेकिन फिर भी कश्मीर को हम पूरा नहीं मानते थे, अपना एक इंटीग्रल पार्ट, हमारा इंटीग्रल पार्ट होते हुए भी यहाँ के लोग वहाँ पे फॉलो नहीं होते थे। तो
तो ये इस गलती को सुधारने के लिए 370 को रिपील कर दिया गया, लेकिन सेवेंटी जो थे इस चीज़ को नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि हर चीज़ पॉपुलर विल के हिसाब से ही होनी चाहिए, जबकि कश्मीर के जो रहने वाले लोग थे उनकी पॉपुलर विल तो ये नहीं थी कि 370 हटाया जाए, लेकिन फिर भी सरकमस्टांसेस को देखते हुए और इंडिया को एज ए होल देखते हुए जो है 370 को हटाया गया, जिससे वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो, कश्मीर का डेवलपमेंट हो और कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का डेवलपमेंट हो। लेकिन सेविग्नी की वजह से जो था बहुत ज़्यादा ज्यूरिस्टिक पैसिमिस्ट आ गया। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी सेविग्नी की थ्योरी कि पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है, फिर उन्होंने वॉक जिसका क्या कंसेप्ट दिया वो बताना है, फिर आपको सेविग्नी के कंट्रीब्यूशन बताने हैं, उसके बाद आपको उनकी क्रिटिसिज्म जो है वन बाय वन करके बतानी है। आई होप कि आपको सेविग्नी की थ्योरी बहुत इजी तरीके से समझ आ गई होगी। आई फील कि मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए हैं और इतने लाइवली एग्जांपल दिए हैं कि आपको वीडियो लेक्चर सुनते सुनते ही ये पूरी सेविग्नी थ्योरी लर्न भी हो गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यूरिसप्रूडेंस बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो उनको भी इस वीडियो लेक्चर से बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।